हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलती बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। भीलवाड़ा राजमार्ग के कुवारिया थाना सर्कल के मेला ग्राउंड के पास मंगलवार सवेरे 4 बजे के लगभग एक ट्रैवल्स में आग धधक उठी। हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। कुवारिया थाना अधिकारी पेशावर खान ने बताया कि ट्रैवल्स में सूरत से आसंद गांव के प्रवासियों को लाया जा रहा था। ट्रैवल्स बस में 48 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि पिछले टायर में घर्षण के कारण ट्रैवल्स बस में आग लग पड़ी, लेकिन चालक गिरधारी लाल रेगर की सूझबूझ से यात्रियों को सूचना दे दी गई, जिससे यात्रियों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। आग से ट्रैवल बस में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस सद्भाव कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राजसमंद नगर परिषद से दमकल को बुलाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। सुबह 4 बजे करीब हमारे को इतला मिली, जो घटनास्थल थाने से पीछे करीब 200 मीटर दूरी पर है। हम तुरंत मौके पर गए, सवारियां नीचे बैठी थी, सुरक्षित गाड़ी चल रही थी। फायर ब्रिगेड को बुला करके आग पर काबू पाया, सवारियों को दूसरी गाड़ी मंगवा के सुरक्षित अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया। कुछ सवारियां ऐसा कह रही थी कि हम उतरते समय हमारा बैग गाड़ी में भूल गए हैं, उसमें कुछ ज्वेलरी और हमारे कपड़े जल गए हैं। उन लोगों ने रुक करके गाड़ी को ठंडी हो गई, उसके बाद जहां वो बैठी हुई थी वहां पड़ी हुई राख कट्टों में भर के वो ले गए। हाँ, ये जरूर है कि इस घटना में जिन लोगों के बैग छूट गए तो उसमें कुछ ज्वेलरी के जलने का पूर्ण अंदेशा भी है। ज्यादा नहीं, 2-3 जने ऐसे हैं जिनकी ज्वेलरी और कपड़े जले हैं। यात्रियों के अफरा तफरी मचने के कारण उनके कई बैग ट्रैवल्स में छूट गए, जो कि भीषण आग में जलकर स्वाह हो गए। मौके पर कई लोगों की भीड़ लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी बस आग की भेंट चढ़ गई। राजसमंद से जागरूक टीवी के लिए नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।